भाई का केस है आप लोग। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। जो आज हम वो गोल्डन पकौड़े नाम से में है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ, तो इसका अभी मैं दोस्त लोगों के साथ आया, तो इसको अभी अंदर से दिखाते हैं आपको कैसे है। सो गाइस, अभी आपको हम अंदर जाके दिखाएगा और वहाँ मेरे दोस्त लोग उसके साथ अभी अंदर जाएंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। सो ये रहा मेरा दो दोस्त, ये अविनाश और ये अमन। इसका भी यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं, चलिए दिखाते हैं। तो ये गेट, यहाँ से आप घुस लें। ये और एक मेरा दोस्त सामुएल थॉमस, जिसको मैं यूट्यूबर जिसको पहले दिखाना मैं भूल गया था। अपकमिंग यूट्यूबर नाम क्या रखने वाला है चैनल का? वो बात नहीं सोच के बताता हूँ, पर कुछ झकास वाला होगा। ठीक ठीक, क्या क्या किसके लोगे दिखा दोस्त? लाइफस्टाइल के ऊपर। हाँ ठीक है ठीक है भाई। तो गाइस, ये जो गोल्डन पगोडा है ना, इसको खमची लैंग्वेज में कोमनु खम से जाना जाता है, यहाँ का जो लोकल डायलैक्ट है ना। तो और चलते हैं अभी अंदर। देखिए गाइस, यहाँ भी लिखा हुआ है ये जो कोमनु खम, ये हम लोग का जो डीसीएम सर है ना, जो डीसीएम है हम लोग अरुणाचल का, उसका वो डोनेट किया है ये इसको। और ये जो पीछे ये देख रहे हैं ना, ये टेंपल जो 20 हेक्टर का उसमें लोकेटेड है, और इसको जो बनाने के लिए 33 करोड़ स्पेंड किया गया है। और जो ये जो टेंपल है ना, इसको इंटरनेशनल ट्रिपिटी का सेंटर बनाएगा ऐसे कहा गया है। सो अभी आपको ये मंदिर को अंदर से दिखाते हैं। सो हम इसको अंदर से दिखाने का सोच रहा था आप लोगों, पर इसमें कैमरा अलाउड नहीं है। सो सॉरी गाइस, हमको नहीं दिखा सकेगा इसको अंदर से। आप यहाँ से देख लीजिए कैसे, ये जो आप रात को आएगा ना, रात को आने से ये ज़्यादा सुंदर देखा मिलता है, मतलब इसका लाइटिंग से बहुत अच्छा है रात को। सो आपको ऐसे अभी मंदिर का, आपको ऐसे से थोड़ा मंदिर का जगह सब दिखा देता है। चलिए गाइस, सो ये सब फ्लावर सब अलग से सुंदर है। तो ये पीछे स्टेचू आप लोगों को देखा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, धूप ज़्यादा है, देख सकते हैं ना आप लोग, मज़ा। ये जो देख रहे हैं ना, बहुत डीप है ना, गहरा है इसमें। तो उसमें ऐसा मानता है कि शायद किसी से सुना था हम कि इसमें आप कुछ कॉइन फेंके कुछ विश करेगा तो वो पूरा होता है, इसलिए आप आके ट्राई कर सकते हैं। तो हम लोग आए अविनाश ब्रो, राइडर यार, देख सकते हैं गिटारिस्ट, यार राइडर गिटारिस्ट, सावल गिटारिस्ट, जिसे गिटार बजाना नहीं आता है। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ बन रहा होगा, बनने के बाद आपको दिखाएगा। मजा में तो मजा है भाई, काटवा देगा तो क्या करेगा। ओए भाई, आग भी लाल है भाई, रिस्की लगता है इसको देखने के लिए। तो समय लुटे जाके आएगा। जैसे आप पहले हम पहले भी बोले ना, जैसे कि इसको बस स्टार्टिंग पहले जब 2010 या फिर 2009 को बना था, तब इसको बनाने का 3 करोड़ गया था, तो स्पेंड किया था ना। और भी ये डेवलप हो रहा है, तो और सोच सकते हैं आप कितने स्पेंड किया होगा इसमें।
तो आई थिंक ये अब ये प्रेयर करता हुआ ना यहाँ मैं, हाँ शायद ये प्रेयर हॉल है। तो आपको उसके अंदर के जो है एक स्टेचू है उसको दिखाते हैं आपको। अलाउ तो है ना इसके अंदर कैमरा, लिखा तो नहीं है साइन वन। सो ये मैं अभी प्रेयर हॉल के बाहर हूँ। सो एसेंसी मेरे पीछे ये स्टेचू बड़ा सुंदर है, ये शायद ये बेम्बू से बनाया हुआ है ना स्टेचू। ये देखिए पीछे स्टेचू ये। तो आपको एक स्टेचू दिखाऊंगा ना, वो जो एशिया का सबसे बड़ा स्टेचू है। चलिए चलते हैं वहाँ। तो अभी हाँ हाँ आ रहा है, जो अभी हम लोग हमारा मेरा दोस्त अभी वो ऐसा सबसे बड़ा बिम्बू स्टेचू देखने जा रहे हैं। सो अभी हम वो जो हम स्टेचू है ना उसका गेट का बाहर में, तो अभी आपको अंदर जाके देखेगा। चलिए आइए। और साउंड क्वालिटी कुछ खराब हो तो माफ कर देना, क्योंकि माइक नहीं है ना, बिना माइक का कर रहे तो थोड़ा साउंड खराब भी हो सकता है इसलिए। तो चलिए अभी वहाँ अंदर जाते हैं, आइए। तो आप लोग ये जो इसको देख के मालूम हो रहा होगा ना कितना ये तोले से ये, तो आपका ये अंदर से दिखाते हैं अभी इसको। तो एक बात का ध्यान रखिए ना आप लोग, जब भी यहाँ आएंगे ना तो हमेशा शूज को बाहर छोड़ के जाइए ना। सो ये है वो, सो ये है, सो गाइस ये है वो स्टेचू जो आप देख सकते हैं इतना अब तोले से। और माना जाता है कि ये स्टेचू वर्ल्ड में सबसे तोले से बेम्बू का बूटा का स्टेचू है। तो अब अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आइए टेंगापानी में आ सकते हैं। और रात को, और रात को ये, और रात को ये जो टेंपल है ना देखने में बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ लोग प्रेयर करते थे, थोड़ा धीरे से बात करिएगा, जोर से नहीं करिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए अभी वहाँ अंदर जाते हैं, आइए। सो गाइस अभी हम लोग घर वापस जाएगा, रात अंधेरा होने वाला है। तो मेरे दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं, तो अभी उन लोगों के पास चलते हैं। वो भी मेरा दोस्त भी अपना वीडियो के लिए यहाँ, अपना गाना के लिए यहाँ वीडियो बनाने आया था, तो चलिए उसके पास चलते हैं। तो हो रहा वो दोनों, हो गया भाई गाना बना, गाना बना गया वीडियो नहीं बनाएगा, बनाएगा होगा, ठीक है बना लो। तो आप लोग इसका चैनल का सब्सक्राइब कर दो, नाम बता दो। मेरा चैनल का नाम है स्ट्रेंजर टू दिया, इसका चैनल का सब्सक्राइब कर दो। हम इसका चैनल को क्या बोलते हैं मेरा डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, हाँ आप लोग तो लिंक में जाके वो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, देख लीजिए ना। गाइस ये मेरा फर्स्ट टाइम था ना ब्लॉगिंग करने का, वैसे तो हम ज़्यादातर मोटो ब्लॉगिंग कर रहा था, तो ये फर्स्ट टाइम है, तो कुछ गलती हुआ बोलने से ना माफ़ कर दो ना। नेक्स्ट टाइम से आप लोग नेक्स्ट टाइम से अच्छे से वीडियो करेगा। सो अगर आप लोग मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, उसके बाद में सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन में बेल आइकन को भी क्लिक कर दो ना। थैंक यू। तो आप लोग,
तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी डालेगा, तो हाँ होगा तो थैंक यू।